ओम शांति। आज की साकार मुरली 26 अक्टूबर 2020 मीठे मीठे बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, श्री मत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। श्री मत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। पहले बनना है, फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं रह करनी है? किस बात की परवाह नहीं करनी है? कौन सी बात की परवाह नहीं करनी? दूसरा, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? स्वयं की चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी। डालता रहे, उसका काम है मेरा पेपर लेना। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं। बेहद का वैराग्य रहता है, बेहद का वैराग्य, किसी भी चीज में जरा भी मोह नहीं। मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूं वो खुद भी करता हूं। दूसरों को तो कहता रहूं करो 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 और खुद नहीं करूंगा तो अंदर कुकड़ गया। गीत चला, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता कि गीत गाएं, जमी तो जमी आसमां पा लिया, ये कहने की जरूरत थोड़ा है। तो समझने की बात है, ये समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से क्या बन रहे हैं? देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो। काम का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की कामना, इच्छा, चाहे खाने की हो, पहनने की हो, सोने की हो, जाने की हो, कुछ भी, कोई भी संसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं। वो इच्छा कभी आपको अच्छा नहीं बनने देगी। बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर बच्चों को स्मृति आई है, हम बेहद के पाप से बेहद का वर्षा लेते, बेहद के पाप से बेहद का वर्षा लेते। जो कोई छीन ना सके, वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अद्वैत राज्य, फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है, समझाना भी जैसे मैं समझा रहा हूं। बाबा कहते तुमने औरों को समझाना है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वॉइसलेस बना रहे हैं, परमात्मा की श्रीमत पर निर्विकारी बना रहे हैं। वॉइसलेस निर्विकारी, ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो ये भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वो अब विकारी नरक बन गया है। विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं।
बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। जो बाबा ने कहा उसको विचार सागर मंथन करो, फिर लिखो, नोट करो, देखो कैसे कहें ताकि लोगों की बात बुद्धि में बैठ जाए। ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे कि भारत वास्तव में स्वर्ग था, रावण का राज्य था नहीं। बच्चों की भूखो बुद्धि में है, अभी हम भारतवासियों को बाप वॉइसलेस निर्विकारी बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं, ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ा ही है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल ना सके, तुम्हारे मुख से अक्षर निकल ना सके। क्या भगवान हमको देखता है? हम अपने आप को देख लेते हैं। हाँ, परमात्मा देखने का क्या काम करेगा? हम अपने कर्म करके अपना भाग्य लिख रहे हैं, हम ये कहें कि वो तो देख नहीं रहा, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वॉइसलेस था तो यही भारत स्वर्ग था। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, उनमें कोई विकार नहीं थे, तभी वो देवता थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, राजा भी निर्विकारी थे तो प्रजा भी निर्विकारी थी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी नरक है, ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है, कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हो। सीढ़ी का चित्र कोई अच्छा हो, समझने वाला हो, उसको अच्छा लगे तो उसे आप गिफ्ट कर सकते हो। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना। तुम भी जो जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है, तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। जैसे चीज देनी होती है, तैयार होती है तो देंगे ना, ऐसे नॉलेज भी आपके पास तैयार हो, बस आए तो उसको दे दो, नहीं करनी पड़े। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है, हमने कैसे 84 जन्म लिए, ये याद रहना चाहिए। ये समझ की बात है ना, जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूं, फिर इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा, इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूं, इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूं, नहीं तो ब्राह्मण कहां से लाऊं। ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में है, बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है, सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते, उनको घर परिवार सारा याद रहता है, याद जरूर रहती है, तुमको भी याद रहेगी। परंतु वैराग्य, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने हैं, ये सब कब्र दाखिल होने हैं, इसलिए हम उनको याद करें। ज्ञान से सब कुछ समझना है, अच्छी रीति, अच्छी रीति। वे भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं, उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते, फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया, आपको कैसे वैराग्य आया है हमको सुनाओ, तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो, हम बाबा हमें बच्चे गए, तुम उन्हें लालच देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है।
तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं, सब ड्रामा के एक्टर्स हैं, ये सब तुम्हें पता लग गया है। जो बार पार्ट बजाते आए हैं, अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम, फिर जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर सबको नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वॉइसलेस थे, तो वॉइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बन गए, विकारी बन गए, अब फिर वॉइसलेस बनना है। परंतु पुरुषार्थ कराने वाला तो चाहिए, पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है, बाप कहते हैं तुम वही हो ना, बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हैं, बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे, ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पढ़ेंगे, फिर भी पढ़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना, इनको तो सब याद है, बतलाते भी हैं। गांवड़े का छोरा था ब्रह्मा बाबा तथा लेखराज, गांवड़े का छोरा था, गांव में रहता था और वैकुंठ का मालिक बना। वैकुंठ में गांवड़ा कैसे होगा ये तुम अभी जानते हो। इस समय तुम ये भी ये पुरानी दुनिया है, गांवड़ा है ना ये पुरानी दुनिया, कहां वैकुंठ कहां ये नर्क। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है, बाप कहते हैं ये तो सब पत्थर है, ये सब मिट्टी पत्थर हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो, संगम युग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे, वहां तो सब खानियां भरी होती हैं, ढेर का ढेर सोना होता है, तो बाबा तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है, मान लो उदासी आती है, तो बाबा ने समझाया है कई ऐसे रिकॉर्ड गाने जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे, उनको चला लो। सारा ज्ञान समझते हो बाबा, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वो कभी कोई छीन ना सके, ऐसा विश्व का मालिक बनाते जो कोई दूसरा छीन ना चाहे तो छीन ना सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं, राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस हैं, हद की राजाई के वारिस हैं। तुमको कितना नशा रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के वारिस हैं, बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना है, याद करने बिगर तो वारिस बन नहीं सकेंगे, याद करे तो पवित्र बने तभी वारिस बन सके। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे, डबल सिरताज बनेंगे, हर जन्म क्या करेंगे 21 जन्म तक राजा बनेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है, मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, भक्ति मार्ग में दान पुण्य करेंगे विनाशी है, इस जन्म में क्या अगले जन्म में मिल जाएगा, इसी जन्म में भी उसका फल मिल जाएगा। तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान, तुम अविनाशी ज्ञान का धन दान करते हो, वो तो स्थूल धन रुपए में से दान करेंगे। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्म अनुसार फल मिलता है ना, कोई बड़ा राजा का बच्चा है बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे ना, हद की बड़ी लॉटरी कहेंगे ना। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन नहीं सकते,
वो तो एक छोटे से इलाके के क्षेत्र के राजा बन जाएंगे। डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो, उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं, उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं, वे जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाई विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था, सारे विश्व पर एक ही राज्य था, वहां ऐसे नहीं कहेंगे, ये अगले जन्म के कर्मों का फल है। सत्युग में ऐसे नहीं कहते कि हमारे पिछले जन्म, पता ही नहीं पिछले जन्म और अगले जन्म क्या होते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहे हैं, जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी वैसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है, कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्री मत लेनी। मतलब कोई कर्म करने में आपको पता नहीं लग रहा कि करूं कि ना करूं, ठीक है कि गलत है, तो अब बड़े भाई बहनों से पूछ लो, श्री मत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में, अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी चिट्ठियां आती होंगी। परंतु वे कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत पोटरी होते हैं, वे सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। ये भी ऐसे होता है, मुख्य मुख्य पत्रों को तो का तो फौरन रेस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं, एक एक को अलग बैठ पत्र लिखें ये तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चों को बड़ी खुशी होती है, सबसे जास्ती गदगद होती है बांधेलिया। बांधेलिया माने जिनको परिवार वाले ज्ञान सुनने के लिए नहीं भेजते, परंतु वो चुपके चुपके घर में ज्ञान सुनती और ज्ञान पर चलती रहती। ओहो हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते, क्योंकि उनके पास चिट्ठी पहुंचती थी, नैनों पर रखती हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेंगी, तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं, चुम्बन करेंगे, आंखों पर रखेंगे, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती हैं। बांधेलियां कोई कम है क्या, बांधेलियां कोई कम है क्या, कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है, कई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना, हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वॉइसलेस था, अभी विशेष है, अभी जो वॉइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कल्प पहले मिसल, तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी यही प्लान है ना, यही योजना है ना, गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है, तुम लिखे लिखो भी ऐसे, गीता का ये पुरुषोत्तम युग है। जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती है, तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप, जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी, राजाई वृद्धि को पाती रहेगी, कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आए। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वो पहले आते रहेंगे, ये सब बना बनाया खेल है, ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो, इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं कर, पवित्र बनने में कोई रुकावट डालता है तो डालता रहे,
परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुकड़ तो मिल सकती है, रोटी टुकड़ तो मिल सकती है, मिल सकती है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए जो या तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं, पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, ब्रह्मा बाबा बुद्धियों कहीं चला जाता था, कान पकड़ते थे, अपने को चमाट लगाते थे। अब तो ये है ज्ञान, इसमें भी मुख्य बात है याद की। अब याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ लगाओ, थप्पड़ मारना चाहिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? क्या मैं इतना कच्चा हूं? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो मैं इतना महावीर हूं? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना भूतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंच पद होगा, दर्जा ऊंचा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि क्रोध मत करो? सच्चाई नहीं हुई ना, फिर लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वो ऊंच बन जाए, हम नीचे ही रह जाए। गुरु गुड़ चला चीनी हो गया, ये भी कोई पुरुषार्थ है? पंडित की कहानी है ना, बात को याद करते तुम इस विषय सागर से खीर सागर में चले जाते हो। बाबा के को याद करते, बाबा की श्रीमत पर चलते चलते तुम इस विषय सागर से क्या होते हो? खीर सागर में चले जाते हो। और पंडित की कहानी क्या है? राम राम कहो और समुद्र पार हो जाओगे, पार हो जाओगे। तो उसकी भक्ति जो थी उसको कहा राम राम कहो और नदी पार। अब वो राम राम कहती थी और नदी पार हो जाती थी। एक बार उसने कहा हमारे घर चलो, पंडित जी जाके नाव नदी के किनारे खड़े हो गए, बोले नाव को लाओ तो चले। बोले पंडित जी आप कहते थे राम राम कहो नदी पार हो जाए, मैं तो राम राम कहकर नदी पार कर लेती हूँ। बोले ना ऐसे ना, बाकी ये सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल है, तुम ब्राह्मणिया हो ना बीके, ये तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहां होगा ना, वहां थोड़ी होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। ये चित्र भी है समझाने के लिए, इसमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का ये प्लान है ना, योजना है ना। हम ब्राह्मण हैं चोटी, एक की बात थोड़े ही होती है। प्रजा पिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब परिवार होगा ना, जो फिर तुम देवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, होती है। क्यों? क्योंकि लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम है, नाम बहुत है, वंदे मातरम। शिव की शक्ति से ना तुम हो ना, वो तो सब हैं झूठे, बहुत होने के कारण मूंज पड़ते हैं। इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूं सर्वशक्तिमान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार
नंबर एक, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। नंबर दो, बाप जो श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। आज का वरदान है मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, क्योंकि लास्ट टाइम है। अब संसार को कैसे बदलेंगे, संकल्प से बदलना है, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो, एक संकल्प भी ऐसे मत समझो साधारण। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। एक भी संकल्प ऐसा ना हो जो ठीक ना हो। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। ओम शांति।